भूपेश बघेल को सीएम बनाए जाने पर उनकी मां ने खुशी जताई और कहा कि उन्होंने भूपेश बघेल के स्वागत के लिए पूरी तैयारियां कर रखी। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बना दिए गए हैं और उसके बाद हम उनके निवास में हैं जहां उनकी माता जी हमारे साथ हैं। उनसे जानेंगे किस तरीके से कितनी खुशी है। भूपेश बघेल जी नए मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के। अब उसका कैसे वर्णन करूं बेटा, क्योंकि कितनी बात को ना वाणी से नहीं बोला जा सकता है। अब खुशी अंदर की बात है, घूंगे का गुड़। कई दिनों से सस्पेंस बरकरार था, चार दिन हो गए लगभग जो है टी एस सिंहदेव होंगे या फिर भूपेश बघेल होंगे, थाली सजा के रखे हैं आप किस तरीके? और इंतजार तो बहुत किए ना चार दिन चार दिन का, और ये सपना तो ओकर बाबू जी के। हम लोग जैसे लोगों को बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म ला करके दे, हमारी उम्मीद बहुत ज़्यादा है उनके साथ, तभी उनको इतना ज़्यादा बहुमत से जिताएंगे। 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ़ करने का, पहले इसको देखते हैं क्या करते हैं इसके बारे में और इंफ्रास्ट्रक्चर क्या डेवलप करते हैं, उम्मीदें काफ़ी कुछ है उनसे। भूपेश बघेल में टी एस बाबा के अंदर शांति है, वो धैर्य वाले हैं, साहस वाले हैं, और दोनों की लड़ाई हमको काम आई छत्तीसगढ़ में, एक की नहीं दोनों के चलते हम आज कांग्रेस में बैठे हैं। बहुमत हासिल किया है और भूपेश बघेल जी को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री उन्होंने चुना है। मैं भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश की ओर से उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। उम्मीद करते हैं कि प्रदेश के हित में, जनहित में वो निश्चित रूप से बेहतर काम करेंगे। आदित्य हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। आदित्य, कुछ ही वक्त और बचा है शपथ ग्रहण समारोह शुरू होने में, क्या खास तैयारी देख रहे हैं आप? जी, यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह होने में करीब अभी 1 से 1.25 घंटे का वक्त जो है वो बचा हुआ है। रायपुर में जो है वो भारी बारिश कल रात से चल रही है, जिसकी वजह से ये शपथ ग्रहण समारोह जिस साइंस कॉलेज मैदान में होना था वहां न होकर अब ये इंडोर स्टेडियम में जो है ये शपथ ग्रहण समारोह लिया जा रहा है। साइंस कॉलेज मैदान में भव्य तैयारियां जो है वो शपथ ग्रहण समारोह को लेकर की गई थी। 25,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था थी। इसके अलावा VIP और VVIP के लिए 3 बड़े बड़े मंच बनाए गए थे, लेकिन भारी बारिश के चलते हुए ये खुले मैदान में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था अब इसको जो है बदलकर इंडोर स्टेडियम में रखा गया है। इंडोर स्टेडियम में करीब 5,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है और एक मंच जो है वो VVIP के लिए बनाया गया। तो भारी बारिश ने जो है ये शपथ ग्रहण समारोह का पूरा चेहरा जो है वो बदल दिया है और अब एक भव्य समारोह न होकर एक छोटे पैमाने पर ये समारोह हो रहा है। 1 से 1.5 घंटे का वक्त करीब और अभी शपथ ग्रहण में लग जाएगा। VVIP जो है कि राहुल गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ ही कई राज्यों के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कई पूर्व केंद्रीय मंत्री और कई बड़े नेता इस शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए जो है वो आ रहे हैं। तो अभी करीबन 1 से 1.5 घंटा और इस शपथ ग्रहण समारोह के शुरू होने में लग जाएगा। जी बिल्कुल आदित्य, तो मतलब ये माना जाए कि बारिश की वजह से पूरा जो इंतजाम था उसको कहीं और शिफ्ट करना पड़ा, जिसकी वजह से ये डिले हो रहा है। जी, आनंद फानंद में ये सारा जो प्रोग्राम था वो सारा प्रोग्राम दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ा। आनंद फानंद में तैयारियां की गई और एक भव्य समारोह जो होना था वो भव्य समारोह न होकर अब एक छोटे पैमाने पर ये शपथ ग्रहण। शुक्रिया आदित्य।